हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस आपके ग्राफ से रिलेटेड होने वाले हैं। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो वैल्यूज हैं उनको आपको बताना है। एक तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरी तरफ दिया हुआ है कॉस्ट। तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और जो कॉस्ट दिया हुआ 5, 10, 15, 20 एंड 55, 25। तो आप देखेंगे बिल्कुल हमने ग्राफ में से प्लॉट कर दिया है इजीली। और ये हमने एक तरफ एक्स एक्सिस लिया है जिसमें नंबर ऑफ एप्पल्स को बताया है, कॉस्ट रुपीज में, वाई एक्सिस के लिए सुटेबल स्केल हमने देखी है 5 एक यूनिट के लिए 1 एप्पल्स, और वाई एक्सिस में 5 यूनिट यहाँ पे हमने रखी है। तो ईजिली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से ग्राफ को आप फॉलो कर सकते हो, राइट। और ये है कंप्लीट पिक्चर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में एक तरफ दिया हुआ है आवर्स की टाइमिंग और दूसरी तरफ दिया हुआ है डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस कार कवर कर रही है ये बताना है, क्या टाइमिंग है, और व्हाट वाज द टाइमिंग व्हेन कार हैड कवर डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कवर करने पे क्या टाइमिंग रही होगी और जब वो स्टार्ट कर हुई होगी। ये यहाँ पे हमने ग्राफ एक बनाया और इस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर डाला। तो अगर हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो स्केल हमने लिया है वो 40, 80, 120, 160 इस तरीके से लिया हुआ है, और वाई के लिए हमने 2 यूनिट लिया है। तो ये बन रहे हैं हमारे 6 और 7, ये 8 और 9। हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर 7:30 पे थी, और यहाँ पे 7:30 पे कितना हो जाएगी 20 किलोमीटर, राइट। और इस तरीके से हमने देखा कि 7:30 to 8 AM के बीच में 20 किलोमीटर थी, 7:30 और 8 AM के बीच में कितनी थी 20 किलोमीटर थी, राइट। इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और 7:30 पे वो कार है ना 100 किलोमीटर तक कवर कर लेगी। आप देखोगे यहाँ पे 80 के बाद ये 100 हो जाएगा, और ये कवर करेगी यहाँ पे 100 किलोमीटर की रफ्तार, और फिर ये 120 करेगी 8 o'clock पे। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन सी में दिया हुआ है कि एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एक तरफ डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कि कितना लग रहा है, 1000 पे 80, 2000 पे इतना, 3 पे इतना लग रहा है। तो हमें गवा दे कि पहले तो हमें एक ग्राफ बताना है जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ हो। ग्राफ का यूज़ करके हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 2500 पे कितना होगा, और 280 पर ईयर का इंटरेस्ट होगा तो कितने में ये डिपॉजिट होने चाहिए, ये चीज़ हमसे पूछी गई। तो हमने क्या किया, डिपॉजिट के लिए एक्स एक्सिस और सिंपल इंटरेस्ट के लिए वाई एक्सिस। ये डिपॉजिट्स हो गया 1000 पे 80, सो 2000 पे ये हो गया 160। सो यहाँ पे हमें बताना है कि 200 पे कितना होएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सी के अंदर अगर आप देखें तो क्या यूनिट ली हुई है उसको सबसे पहले हमने लिख लिया है, और यहाँ पे जो ओरिजिन होगा वो 0-0 होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कितना 200 का अगर देखें तो यहाँ पे है, और वो कहाँ पे आ रहा है कम्प्लीटली, तो 2500 आप जब करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, राइट। ये डॉटेड लाइन आप देख पाओगे यहाँ पे। सो 280 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा 3500 करना। ये 3500 की लाइन है, जब आप देखोगे तो ये 3500 इसके जिस बिल्कुल बीच में है, ये 3500 की लाइन, राइट। और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो 250 की, राइट, जो 200 पे आप देख पा रहे हैं ये, और ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ना ये 3500 की है। तो ये क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया हमने, और इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, लिख भी दिया है ताकि आप समझ पाओगे एक बार की रीडिंग में ही। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो किस बेसिस पे, ये डाटा दिया हुआ है इस बेसिस पे, पैरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का तो 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 होगा, 3 का 12, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो हमने इस तरीके से 2, 8, 3, 12, 3.5 का 14, 5, 20 और 6, 24, तो हमने पूरा एग्जैक्टली हमने कितने यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर के लिए, वाई एक्सिस के लिए हमने 4 लिया हुआ है, तो 4, 8, 12, 16 इस टर्म में बढ़ता जा रहा है, और ये 1 यूनिट हमने ली हुई है। तो ईजिली आप देख पा रहे हो कि ये एक क्या है, लीनियर ग्राफ है, राइट। और अगर हम आगे देखें क्वेश्चन में तो यहाँ पे 2 का 4 स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का भी ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर ही बनेगा। ये देखिए 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इस तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 यूनिट लिया हुआ है, यहाँ पे 1 यूनिट लिया हुआ है, तो ये 4 की टेबल लग रही है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1
के फॉर्मेट में चल रहा है। तो ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बिल्कुल ऐसा तो आया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा है, फिर ये लीनियर नहीं है, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आई होगी। और ग्राफ पेपर पे जब आप अपने क्वेश्चंस को करोगे तो इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे डाउट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउट जो भी हो आप हमें सुझाव सजेशन इस नंबर पे व्हाट्सएप करके दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।